एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो ना कि मैम हमें पार्लर के लिए किस टाइप की चेयर लेनी चाहिए। तो देखिए, मार्केट में चेयर बहुत ही अलग अलग तरीके की आती हैं, लो बजट में भी, हाई बजट में भी। ये तो इन्वेस्ट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कितनी महंगी या कितनी सस्ती लेना चाहते हैं। तो अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो आप कम बजट में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो 3 से 4 हज़ार के अंदर भी मीडियम चेयर आ जाती है, जो कि इतनी जल्दी ख़राब हो भी नहीं होती, अच्छी रहती है, वो ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपके पास अच्छा बजट है तो फिर आप अच्छी चेयर परचेज़ करिए। मैं आपको यही बोलूँगी, वो इसलिए बोल रही हूँ अच्छी, मतलब जैसे मेरे पास में चेयर है वो बहुत अच्छी है, उसमें किसी भी टाइप का इंसान बैठ जाए उसको कभी कुछ नहीं होता है। और अभी के टाइम पर क्या होता है कि हाइड्रोलिक चेयर बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो कि ऐसे 10-12 हज़ार के रेंज में आती है। 10-12 हज़ार भी बहुत कम रेंज नहीं होता है, काफ़ी अच्छा खासा रेट है। लेकिन मैंने देखा है कि वो चेयर भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती, क्योंकि वो हाइड्रोलिक होती है और उसको पैर से दबाते हैं ना तो वो ऊपर की तरफ उठते जाती है, मतलब आप जितना चाहो ऊपर कर लो, जितना चाहो नीचे कर लो, उसका ये सिस्टम रहता है। लेकिन वो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन मेरे पास में जो चेयर है ना, थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन अभी तक एक भी कंप्लेन इसमें नहीं आई है और कुछ भी इसमें नहीं हुआ। तो आप लोग अच्छी चेयर पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको अपनी चेयर दिखाऊंगी। और मैं आपको यही बोलूंगी कि आप या तो जो मैं दिखा रही हूँ ये ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप की दिखी जाएंगी। क्योंकि मैं भी अलग अलग तरीके की चेयर मैं देख चुकी हूँ लेके, जैसे स्टार्टिंग में ली थी तो मैं भी मीडियम बजट में ली थी, उसके बाद जो है 10-12 हज़ार के रेंज वाली ली, जो हाइड्रोलिक होती है, वो भी अच्छी थी, ठीक ठाक चला मतलब, बट मुझे उतना सही नहीं लगा रेट के हिसाब से, वो जल्दी ही ख़राब हो गई। इस वजह से ना उसको फिर मैं हटा के फिर दूसरी चेयर खरीदी। ये मेरी चेयर बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और रहा सवाल जैसे कि आप अलग अलग रखिए, जैसे आपको जो मेरी चेयर है इसमें मैं अपना फेशियल्स वगैरह है, थ्रेडिंग है, ये कर लेती हूँ, और हेयर कट वगैरह के लिए ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से चेयर आती है, अलग से स्टूल्स भी आती हैं, आप वो रख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जो भी सामान खरीदोगे आपका सामान ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, और आप लोग स्टीमर के बारे में भी बहुत पूछते हो ना, तो आज मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो चलो चलते हैं, पहले मैं आपको सामान दिखाती हूँ। ये है मेरी चेयर, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत टिकाऊ, ये देखिए। और इसमें जो है ना, पीछे से हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ, जैसे ये है ना, इसको इस तरीके से घुमा दोगे ना तो ये चेयर आप जैसे चाहो इसको आराम से आप घुमा सकते हो, ये देखिए इस टाइप से, जिधर भी चाहो इसको घुमा सकते हो। और बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके के क्लाइंट को बैठा दीजिए, कितना भी हेल्दी लोग हों, कुछ नहीं होने वाला है। और ये इस तरफ जो ये दिया है ना, इसको करने से जो है अप डाउन होती है ये चेयर, आगे पीछे होती, इसको घुमाने से ये देखिए ये सामने आ गई है। और उसके बाद ना आप अपने क्लाइंट के हिसाब से जो है इसको ऐसा डाउन भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं इस चेयर में, मतलब इस चेयर में किसी भी प्रकार का ना आपको शिकायत नहीं मिलेगा। ये देखिए, जितना चाहो आप इसको डाउन भी कर सकते हो इस तरीके से, तो इससे ना आप फेशियल वगैरह भी इसमें आराम से कर सकते हो। इसको आप ना, जैसे इतना डाउन है मेरी चेयर अभी, और इसको आप और भी डाउन करना चाहोगे तो ये आराम से हो जाएगी। तो इसमें ना आप आराम से बिल्कुल कम्फर्टेबल होके फेशियल भी कर सकते हो, क्योंकि और ज़्यादा ये पीछे वाला हिस्सा ये डाउन हो जाता है, ये तो एक बेड जैसा भी बन जाता है। देखिए लेंथ भी कितनी हो जाती है चेयर की, तो काफ़ी साल हो गए इस चेयर को, लेकिन अभी तक इसका जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा पर्सनल ख़रीदा हुआ है और इतने दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, बाकी और भी यूज़ की हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। स्टीमर के बारे में आप लोग बहुत पूछते रहते हो ना, ये है मेरा स्टीमर, और ये फेस एंड हेयर दोनों के लिए है। आपको मैं यहाँ से देख, ये देखिए, ये जो ओजोन लिखा हुआ है ये फेस के लिए है और ये हेयर वाले के लिए है। यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, टाइमर आप सेट कर लेंगे, आपको कितने देर के लिए स्टीम देनी है उसके हिसाब से ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से ऑन और ऑफ होता है। यहाँ से भी पानी डालने का सिस्टम दिया हुआ है इसमें, और पानी इसमें हमेशा आप जो है आरओ का ही यूज़ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आरओ का पानी ही डालना है, नहीं तो ये जो इसमें लगा हुआ है ना पाइप, ये स्टील वाला, ये इसमें जंग लग, वो सॉरी जो नमक नमक जैसा होता है ना, वाइट वाइट वो हो जाता है, तो स्टीमर का ही पानी आपको यूज़ करना है इसमें।
तो ये बहुत अच्छा है। और हाँ, इसका प्राइस ना अलग अलग आता है, क्वालिटी के हिसाब से चेंज रहता है। एक 3500 के रेंज में आता है, एक 5500 के रेंज में भी आता है। ये देखिए, तो ये जो मेरा मशीन है ये 5500 के रेंज का है। आप अपने मार्केट में पता कर लेना, क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रेट में आता है। जैसे स्पा मशीन भी एक अलग से आती है तो सिर्फ 5500 के रेंज में आती, मतलब 5500 की। बट इसमें मुझे 2-in-1 दोनों मिल रहा था और इसकी चीज़ें भी अच्छी थी, तो मैं इसको जो है परचेज़ की हूँ। साथ ही साथ मेरे पास अलग से भी एक छोटा स्टीमर भी है, तो मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ जो भी मुझे ठीक लगता है समय के हिसाब से। अगर ये वाला बिजी है तो फिर मैं उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि पार्लर में तो ये सब चीज़ें लगते ही रहती हैं। और ये है मेरी शैम्पू चेयर, मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं लेती, आप देख सकते हो ज़्यादा स्पेस नहीं घेरा हुआ है इसने, और मस्त है ये। तो इस तरीके से इसमें जो है यहाँ पर शावर दिया हुआ है, ये देखिए, ऐसा चालू करोगे यहाँ पे, ये देखिए पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना पार्लर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और आप आराम से इन चीज़ों को रख सकते हो। चेयर का रेट अलग अलग होता है, जो शैम्पू चेयर होती है आपको 7500 में भी मिल जाएगी, 10-12 हज़ार, 16 हज़ार, 20 हज़ार, आप जितना बजट में आप जाना चाहो, जितना आप खर्चा करना चाहो कर सकते हो। बट मैंने जो ख़रीदी है ये मीडियम बजट में ही है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप 10-12 हज़ार की रेंज की भी अच्छी शैम्पू चेयर ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20-22 हज़ार का ही केवल आप लो, ऐसी वाली भी बहुत अच्छी रहती है। कटिंग के लिए ना ये वाली टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें साथ ही साथ देखिए पैर रखने के लिए यहाँ पे दिया भी है, और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए बहुत हाइट है, और ये जैसा चाहो इसको मूव कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हेयर कट के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और इसी में ना ऐसा राउंड वाला भी आता है पीछे में, जैसा चेयर में रहता है ना पीछे दिया रहता है, तो जो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं ऐसा टेबल में बैठने के लिए, तो आप वो वाली चेयर भी ले सकते हैं। तो इसमें ये सब मेरे, जैसे ये हो गया मेरा प्रेशिंग मशीन हो गया, ये मेरा ड्रायर है, एक ये और प्रेशिंग मशीन है मेरी, ठीक है। ये सब चीज़ें ना बहुत रखनी पड़ती, इसलिए इस टाइप का रैक रखना बहुत ज़रूरी है। और ये है मेरा वो क्रिम्पिंग मशीन, ये रॉकरूट का है, पहले भी इसका रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। और ये वाली जो है मेरी कर्लिंग रॉड है, जो कि अक्सर आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे हैं हेयर वाली में, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है, तो इतनी चीज़ें आप अपने पार्लर के लिए ज़रूर लें। और ये है मेरी ट्रॉली प्रोमैक्स की है, तो ये आप ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें ना सामान रखते भी बहुत अच्छे से बनता है, और इधर से उधर आप जहाँ चाहें इसको लेके भी जा सकते हैं। कि आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई, सिर्फ उतनी चीज़ें दिखाई हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, एक अच्छा चेयर, स्टीमर और शैम्पू चेयर। रेट अप डाउन हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बोली ना कि आप जितना ज़्यादा बजट लगाना चाहोगे चीज़ें आपको उतनी अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो मैं आपको चेयर अपनी दिखाई हूँ ना, ये चेयर बहुत अच्छी है। इस मतलब बोलते ना कि चेयर का किंग बोलते हैं इसको, ये इतना हैवी बॉडी होता है इसका। तो ये वाली चेयर अगर आपका अच्छा बजट है तो आप ज़रूर परचेस करें। और स्टीमर बहुत अच्छा है, 2-in-1 दोनों काम करता है। शैम्पू चेयर भी मैं आपको दिखा दी हूँ, मस्त है। और इसमें रेट जो है अलग अलग आता है, लेकिन 7500 के नीचे तो मुझे नहीं लगता कि मिलता होगा। ऑनलाइन मिलता होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन डर भी लगता कि पता नहीं वो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए, शैम्पू चेयर और आपका थ्रेडिंग चेयर अच्छा वाला हो गया, और आपका स्टीमर और आपकी कटिंग टेबल, तो इतनी चीज़ें तो आपको रखनी ही रखनी है। बाकी और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, साथ ही साथ फॉलो भी कर लीजिए। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे धीरे धीरे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाते हुए जाऊँगी कि आप ये वाला लीजिए या फिर ये वाला लीजिए, सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करते हुए मैं चलूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।